किस तरह से बॉक्स ऑफिस कलेक्शन अच्छा जा रहा है, क्या कुछ आप बताना चाहेंगे क्या उसमें? इसका राइट जवाब आई थिंक विवेक जी और जी स्टूडियो दे सकते हैं. मैं तो एक्टर हूँ. सो मेरा काम था अपनी शिद्दत से दिल से फिल्म को करना, और जो लड़ाई 32 सालों से कश्मीरी हिंदू लड़ रहे थे, जो उनकी आवाज़ नहीं सुन रहे थे लोग, जो अपना दर्द बताना चाह रहे थे, वो लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा था. और उसमें मैं छोटा सा एक माध्यम बना कि मैं उनकी आवाज़ सब तक पहुंचा पाया, और आज उनके संघर्ष में हर इंसान खड़ा है. कि क्या ये प्रॉफिट आधा शेयर किया जाएगा कश्मीरी पंडित के जो भी मतलब रिलेटिव्स हैं उनको शेयर किया जाएगा? जिस तरह से प्रॉफिट हो रहा है, जिस तरह से बॉक्स ऑफिस कलेक्शन अच्छा जा रहा है, क्या कुछ आप बताना चाहेंगे क्या उसमें? इसका राइट जवाब आई थिंक विवेक जी और जी स्टूडियो दे सकते हैं. मैं तो एक्टर हूँ. सो मेरा काम था अपनी शिद्दत से दिल से फिल्म को करना, और जो लड़ाई 32 सालों से कश्मीरी हिंदू लड़ रहे थे, जो उनकी आवाज़ नहीं सुन रहे थे लोग, जो अपना दर्द बताना चाह रहे थे, वो लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा था. और उसमें मैं छोटा सा एक माध्यम बना कि मैं उनकी आवाज़ सब तक पहुंचा पाया, और आज उनके संघर्ष में हर इंसान खड़ा है. सर कैसे हैं आप? आई एम गुड. हेलो हेलो सर, थोड़ा यहाँ रुके रहो. सर दर्शन सर, ये कैमरा सर लेफ्ट बोलता है वो भी आ रहा है. हाँ दर्शन सर लेफ्ट लेफ्ट दर्शन सर लेफ्ट. Thank you. Thank you, sir. मोबाइल पिछले I have a couple of friends जिसके साथ मतलब पिछले के मेरे सिस्टर्स के साथ शायद they were normally you know movies don't show any here. Yeah. वो जो सच है वो सामने रखे, जो ब्लैक एंड व्हाइट जो हमने फिल्म में दिखाया वो सिर्फ 10% तो आप समझ सकते हैं. जैसे मैम बता रही है, शेयर कर रही है, ऐसे हम बहुत लोगों को जानते हैं जिन्होंने अपनी लाइफ का शेयर किया है, लेकिन ये सच्चाई सामने लाने बहुत जरूरी थी सबके साथ. वैसे ही मुझे स्क्रिप्ट पढ़ने के बाद पता चला, और जैसे जो मैंने लास्ट मोनोलॉग में बोला है पूरा, जो कैंसिल है टोटल 25 मिनट का था, आपने 15 मिनट का देखा होगा, वो 10 मिनट का काटना पड़ा, वो मैंने वन टेक में किया. करूँगा फ्रेम बाय फ्रेम करूँगा, वह मैं दिल से दिल तक नहीं पहुँचा पाऊँगा. और जो कुछ भी आप लोगों ने सुना मेरे मुँह से, उसका मैंने सब रिसर्च किया एक एक चीज़ का. जैसे मैंने बोला मैंने सुना ललेश्वरी के वाक को, तो मैंने जितने भी वाक पब्लिक डोमेन में थे वो सारे सुने. जैसे मैंने देखा राजा रविदत्त के शौर्य और पराक्रम को, तो उनके बारे में जो जो पब्लिक डोमेन में है मैंने पढ़ा, ताकि जब मैं कन्विंस्ड होऊंगा तभी आप लोगों को कन्विंस कर सकूँ. तो मैंने हम लोगों ने यही कोशिश की है पूरी टीम ने कि सिर्फ इस हर कैरेक्टर को जिए, एक्टिंग ना करें. तो आप लोगों को इसलिए शायद हमने दिल से अपनी मेहनत की और कोशिश के बाद लोगों का दिलों को छू लिए, तो नथिंग लाइक दैट. थैंक यू सो मच. आज के जनरेशन को ये सब बताना बहुत जरूरी है. आई डोंट नो, मैं हम लोग साथ में रहते हैं
और वो हम लोग क्या कर रहे हैं ना, हमें लगता है कि आग हमारे घर तक नहीं पहुंची है तो कोई दिक्कत नहीं, दूसरे का घर जलता है जलने दो, लेकिन नहीं, अब ये फिल्म थोड़ा ये चमत्कार कर रही है कि हम सब लोगों को यूनाइट कर रही है, सब लोगों को बोल रही है कि इकट्ठे रहो, मिलजुल के रहो, एक दूसरे की इज्जत करो, वो बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि तभी हम टेररिज्म से लड़ पाएंगे, नहीं तो नहीं लड़ पाएंगे, वो हमें खा जाएगा। वो हमारे सामने आए, वही मैंने रिसर्च भी किया था सर, उसमें स्टडी किया था, सो वो बहुत इम्पोर्टेंट था सामने लाना कि कैसे एक तरह के नैरेटिव्स रखे जाते हैं स्टूडेंट्स के सामने और वो उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हमारे टीचर और प्रोफेसर ही बोल रहे हैं, वही कह रहे हैं कि यस ये इसी तरीके से किया जाता है और हमें करना चाहिए कि हमें अपना माइंड यूज़ करना चाहिए कि ये फिल्म वही सिखाती है, ब्रूटली ऑनेस्ट फिल्म इसलिए बताती है कि आप किसी भी कंक्लूजन पाने से पहले अपना दिमाग यूज़ करें, तभी आप राइट पाथ पर चल पाएंगे और हमारा देश ही उठ पाएंगे, सो दैट्स वेरी यस। अभी हमारे डायरेक्टर साहब का प्लान है कि ये स्पेशली जो मेरी स्पीच है अभी आप लोगों ने 15 मिनट की देखी है, वैसे 25 मिनट की है और 10 मिनट की और एडिट जाएगी टोटल है, उसको सेपरेटली रिलीज किया जाएगा ताकि लोग इसके हमारे महान इतिहास के बारे में जान सकें, क्योंकि ये हमें कभी पढ़ाया नहीं है, तो ये सब सामने आना बहुत जरूरी था। यस, और जो जो बोला गया पब्लिक डोमेन में, जैसे मैंने रिसर्च किया आप लोग भी पढ़ सकते हैं और लोग वही कर रहे हैं, फिल्म देखने के बाद लोग बाहर जा रहे हैं और गूगल पे सब सर्च कर रहे हैं कि हमारा देश कितना महान देश है, जिसकी हम इतनी बोलते हैं ना घर की कि हम उसकी इज्जत ही नहीं कर रहे। अब योगा को देख लीजिए आप, योगा पूरे वर्ल्ड में हर पूरा वर्ल्ड योगा कर रहा है और हमें उसकी कदर नहीं है, अब उन्होंने नाम भी आयुर्वेदा का आप देखें वो मेडिकल में क्या है, कट के बाद थोड़ा और भी दर्शन सर, यहाँ पे सर थैंक यू।